नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है और सब्जेक्ट रहेगा सिंह राशि फलादेश अगस्त 2019 के लिए। अगस्त का महीना 2019 का सिंह राशि सूर्य के घर की राशि लियो बोला जाता है, शेर के जैसी राशि है, दहाड़ती रहती है, हमेशा अपने आप का ही वजूद आगे रखती है, बहुत ही स्ट्रांग राशि है। 12 राशि में सिंह राशि सबसे स्ट्रांग गिनी गई है, बहुत ही विल पावर इनका स्ट्रांग रहता है और हमेशा अग्रेसिव रहती है, आगे चल के काम करने में इंटरेस्टेड रहती है और उनका जो इंटरेस्ट रहता है बहुत ही ज़्यादातर कॉरपोरेट जगत में उनका नाम रहता है या जितने भी पॉलिटिशियंस है वो सिंह राशि से चल के आते हुए हैं और कॉरपोरेट जगत में भी उनका एक दबदबा रहता है। IAS IPS जो भी सिविल सर्विसेज की जो भी जॉब है उनमें ज़्यादातर ये राशि देखी गई है और सिंह राशि बहुत ही स्ट्रांग राशि है। देखते हैं इनका अगस्त महीना कैसा रहेगा। 3 प्लैनेट्स इनके 12th हाउस में चल रहे हैं, घूमना फिरना ज़्यादा हो गया है, एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री की ट्रिप भी लगी है या लगने वाली है और बहुत ही बढ़िया राशि चल रही है। अभी बिजनेस इनका बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है, जो नहीं था वो अभी उनको सेटअप दिख रहा है, कहीं ना कहीं से नया वेंचर कर रहे हो या कहीं नई शॉप वगैरह या नया जॉब वगैरह आपको मिली है उसमें बहुत ही अच्छा आपका काम, आपका परफॉर्मेंस बन रहा है, बिजनेस आपको मिल रहा है। आपने नई दुकान या नया कोई भी ऐसा वेंचर चालू किया, कोई साहस किया है बिजनेस के अंदर, तो वो भी आपको अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है। राहु 11th हाउस में चल रहा है, बहुत बड़ा फ़ायदा देगा आपको समय आने पे, अभी भी दे रहा है आपको कहीं ना कहीं से कम ज़्यादा, लेकिन ये बल्ब में भी दे सकता है। आपकी कुंडली के ऊपर है, ग्रह आपके स्ट्रांग है, प्लैनेट्स आपके स्ट्रांग हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा एक हिसाब किताब भी दे के जा सकते हैं। राहु ऊंच के शनि चल रहा है अभी इनका केतु के साथ, ये भी एक अभी समझो एक पॉजिटिव ही पॉइंट चल रहा है, क्योंकि राहु बहुत पॉजिटिव है तो शनि को भी यहाँ पॉजिटिव होना पड़ेगा केतु के साथ। मैंने जैसे बोला हुआ है, अगर केतु पॉजिटिव है और उसके साथ कोई पॉजिटिव ग्रह बैठा हुआ तो वो रिजल्ट पॉजिटिव देगा आपको। गुरु का 4th हाउस में ब्राह्मण बहुत ही बढ़िया चल रहा है, एसेट्स आपकी बढ़ रही है, मिलकत इन्वेस्टमेंट आपके बढ़ रहे हैं, शॉप वगैरह आप परचेस कर रहे हो, गाड़ियाँ वगैरह आप परचेस कर रहे हो, एक गाड़ी है तो भी दूसरी लेने की इच्छा हो रही है। मंगल यहाँ आएगा 10 तारीख से, आपकी ताकत को दुगना कर देगा, यहाँ मंगल राजयोग कारक गिना जाता है। आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक पावर आएगा, कुछ न कुछ करने की तमन्ना आपको और जगेगी, क्योंकि ये मंगल आपकी कुंडली में भाग्य होते हुए कहाँ बैठा हुआ है, खुद बॉडी के ऊपर, ये बहुत ही स्ट्रांग पोजिशन आपकी बनने वाली है। सिंह राशि वाले को एक ही बोला जाएगा कि आप अभी तन मन धन से मेहनत कीजिए, आपका पीरियड अभी बहुत अच्छा चल रहा है, अगस्त महीना भी आपका बहुत अच्छा जाएगा और आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेके आएगा अगस्त महीना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको बिजनेस से, जॉब्स के अंदर या कोई भी काम कर रहे हो, ये अगस्त महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। हालांकि आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे, कोर्ट कचहरी में थोड़ा चक्कर काटना पड़ेगा, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे। ऐसे और कई वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।